नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। जस्ट एमी रेसिडेंस में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला बैंगन। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। बैंगन का नाम निकालते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। तो शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। ये देखिए, यहाँ पे हमने ग्रीन बैंगन लिए हैं 500 ग्राम। उसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसके बाद हमने उसे लंबे हिस्से में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 1 कप रोस्टेड पीनट पाउडर लिया है। मूंगफली को हमने अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद हमने उसके कवर निकाल दिए और उसके बाद हमने इसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 कप कोकोनट लिया है। उसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है और यहाँ पे हमने 1 कटा हुआ ऑनियन लिया है, उसे भी हमने भून लिया है। 1/2 इंच हमने अदरक लिया है। 8 से 10 कलियां हमने लहसुन के लिए है, उसे भी हमने भून लिया है। हम इसमें अभी थोड़ा धनिया ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे और मिक्सी के जार में हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखिए, ग्राइंड किया हुआ पेस्ट हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें अभी 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच, मस्टर्ड सीड्स डालेंगे फ्राई 1 चम्मच। इसमें हम अभी ये मसाला डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। जब तक इसमें से ऑयल नहीं बाहर निकलता है तब तक इसको हमें फ्राई करना है। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। हम इसमें अभी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये महाराष्ट्रीयन स्पेशल मसाला है, ब्लैक मसाला, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके पास जो भी मसाले वो आप डाल सकते हैं। ये जो महाराष्ट्रीयन ब्लैक मसाला है उसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया होती है, इसलिए मैंने उसका यूज किया है इसमें। अब हम इसमें हमारे बैंगन ऐड करेंगे। इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके हिसाब से आप मसाले की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप तीखा खाते हो तो आप ज़्यादा मात्रा में मसाला ले सकते हो। इसमें हम अभी गर्म पानी डालेंगे। नमक डालेंगे, हम धनिया डालेंगे, इसको हम अभी पकने देते हैं। ये देखिए, इसको हमने 5 मिनट तक रखा था। हम इसमें अभी ये पीनट पाउडर डालेंगे। इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे।
इसे हम अभी और 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला बैंगन बिल्कुल रेडी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये पक चुका है। तो हम इसको अभी एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म मसाला बैंगन बिल्कुल रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना है ये, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। प्यार से बनाइएगा, प्यार से खिलाइएगा। मेरी ये रेसिपी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। बाजू में जो बेल का बटन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई रेसिपी का आपको अपडेट मिल सके। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते फिर ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।